अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स केमिस्ट्री सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, टॉपिक नंबर 5 एंड पेज नंबर 9, लेक्चर नंबर 7। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरिएशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंटल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप। आई एम रीडिंग द टॉपिक एंड एक्सप्लेनिंग इट टू यू, कैन कंसल्ट इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, इट विल बी गुड फॉर यू। Across a short period, the melting and boiling points of elements increases with the number of valence electron up to group 4th A and then decreases up to the noble gases. हमारे पास short periods कौन से हैं? Period number 2 and period number 3. इन पीरियड्स में अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 4th A तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो इंक्रीज होते हैं और उसके बाद वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। रीज़न क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स आर लो बिकॉज ईच एलिमेंट इन दैम प्रोवाइड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए बॉन्ड विद अदर एटम। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप सेकेंड ए आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए बिकॉज ईच एटम इन दैम प्रोवाइड्स टू बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। सिंस कार्बन हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना कार्बन में कितने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन में 4 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपको हमने जब हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, उसमें भी हमने कार्बन की टेट्रावेलेंसी को डिस्कस किया था। कार्बन के पास मैक्सिमम नंबर होता है बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का, दस इट हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इन डायमंड इन विच ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड में कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है बिकॉज यहाँ पे हर एटम जो है वो सेकेंड अनदर एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है। इन जनरल द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट एज ए जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर जिन एटम्स के होते हैं, जिन एलिमेंट्स के होते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई होते हैं। An important change occurs when we move from group 4th A to group 5th A, 6th A, 7th A. As the lighter element of these group exists as small covalent molecules rather than a three-dimensional lattice. हम कार्बन फैमिली में देखते हैं, हमें कार्बन के जॉइंट स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, रिंग्स नज़र आती हैं, चेन नज़र आती हैं, लेकिन जैसे ही हम ऑनवर्ड मूव करते हैं प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में लाइटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं और उनके जॉइंट लैटिस नहीं होते। फॉर इंस्टेंस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल विच हैव वेरी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन दैम, कॉन्सिक्वेंटली देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर एक्सट्रीमली लो। हमने कंक्लूड क्या किया पीरियड में? हमने बात की शॉर्ट पीरियड की, ट्रांजिशन मेटल्स की बात हमने नहीं की, वो कॉम्प्लिकेटेड है और बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर क्लास। सो हमने कंक्लूड किया कि हमारे पास कार्बन फैमिली तक यानी कि ग्रुप 4th A तक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं पीरियड में इंक्रीज होते हैं और उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं कंपैरेटिवली। ओके, नाउ वी विल डिस्कस वेरिएशन इन अ ग्रुप। व्हाट इज वेरिएशन इन अ ग्रुप? द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स। आई थिंक आप सब बच्चों के पास आपकी सेकेंड ईयर की बुक में पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। जब आप इन डिस्कशंस को देखें तो आप इनको पीरियोडिक टेबल से भी कंसल्ट करें। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू द इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइजेस। फर्स्ट ए और सेकेंड ए में अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली जो है वो क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, क्योंकि उनके एटॉमिक साइजेस बढ़ जाते हैं। एटॉमिक साइजेस के साथ हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन का इन्फ्लुएंस जो है वो कम हो जाता है। द बाइंडिंग फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन लार्ज साइज एटम्स आर रिलेटिवली वीकर एज कम्पेयर टू दोज बिटवीन स्मॉलर एटम्स। फॉर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7th A विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। 7th A हमारे पास जो है हैलोजन फैमिली में आप देखेंगे फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन में डाउन द ग्रुप हम जब मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। इसकी क्या रीज़न होती है? वहाँ पर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज या वंडरवाल फोर्सेज जो हैं वो प्रीडोमिनेट होती चली जाती हैं डाउन द ग्रुप। क्यों प्रीडोमिनेट हो जाती हैं? बिकॉज पोलराइजेबिलिटीज जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की बढ़ती चली जाती हैं जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। मैंने आप लोगों को समझाया था पोलराइजिंग पावर क्या होती है और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। पोलराइजिंग पावर किसी भी एटम की ये होती है कि वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को किस एक्सटेंट तक डिस्टर्ब कर सकता है,
और पोलराइजेबिलिटी ये होती है कि कोई एलिमेंट की कोई एटम कितनी इजाज़त देता है किसी दूसरे एटम को कि उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब कर सके। ओके, नाउ वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट, टॉपिक नंबर 6। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ चेंज, इज डिफाइंड एज अ चार्ज। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द चार्ज विच इट वुड कैरी इन द कंपाउंड। इन एनी कंपाउंड दिस इज यूजली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय द एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको असाइन करने का डिफरेंट कंपाउंड्स में डिफरेंट वे है। पहले हम आयनिक कंपाउंड्स में देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं टू फॉर्म एन आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक फार्मूला यूनिट। एज इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आर +1 एंड -1 रिस्पेक्टिवली। In covalent compounds, it is decided on the base of the difference in their relative electronegativities. Covalent compound में जिन elements की electronegativity ज़्यादा होती है उनको negative oxidation state assign की जाती है, और जिन elements की electronegativity कम होती है उनको positive oxidation state assign की जाती है। For example, in SnCl4, this is a covalent compound and the oxidation state of tin is +4 and that of chlorine is -1। और किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में क्या कंसिडर की जाती है, जीरो कंसिडर की जाती है। दीज आर द रूल्स विच आर यूज फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट टू एनी एलिमेंट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ टिपिकल एलिमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रुप नंबर टू विच द एलिमेंट्स बिलोंग। ऑक्सीडेशन स्टेट का किसी हद तक ग्रुप नंबर से भी ताल्लुक होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या रूल है, फर्स्ट ए से लेकर फोर्थ ए तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कंसीडर किया जाता है, ग्रुप नंबर के इक्वल। ठीक है, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगा, सेकंड ए के एलिमेंट्स का 2 होगा, थर्ड ए के एलिमेंट्स का 3 होगा, फोर्थ ए के एलिमेंट्स का 4 होगा। जस्ट एज बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम बिलोंग टू ग्रुप 3 ए एंड दे ऑलवेज टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। सो फॉर द एलिमेंट्स ऑफ दीज ग्रुप्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। However, for the elements of group fifth A, fifth A से onward हम जाएंगे तो फिर oxidation state क्या होगी, तो oxidation state is the number of, या तो number of electrons present in the valence shell या फिर क्या होगा, ये number of vacancies available in the valence shell। For example, अगर हम nitrogen, phosphorus, arsenic और antimony की बात करें तो nitrogen जो है हमारे पास -3 oxidation state जो है वो भी show करती है, और +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो शो की जाती हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6 से शो ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर। इन सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6 विच इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, वेयर एज इन हाइड्रोजन सल्फाइड्स इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। यानी कि हमने एक रूल जो है वो अपना पर्टिकुलेट करना है अपने माइंड में कि हमारे पास ग्रुप फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप, और इसे ऑनवर्ड हमारे पास जो ग्रुप्स हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इन ग्रुप 8 थे 7th A elements, in group 7th A elements oxidation state is -1 which is again the number of vacancies in their outermost shell. Group 8th A elements which are also called zero group elements, they usually show zero oxidation states because there is no vacancy in their outermost shell. Transition elements which are shown in B subgroup of the periodic table also show the oxidation states equal to their group numbers. As it can be seen, coppers belong to 1B, zinc belong to 2B, vanadium belong to 5B, chromium belong to 6B and manganese belong to 7B. But due to greater number of valence electrons available in partially filled d orbitals, these elements usually show more than one oxidation state in their compounds. हम बात करते हैं कि transition elements जो हैं वो आपको multiple oxidation states देते हैं, उनमें मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं ड्यू टू देयर डी ट्रांजिशन। दिस इज ऑल अबाउट टुडे।